अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो ये मत मानना कि आंदोलन खत्म हो गया और यहाँ से लोग चले गए। और बहुत लोग सोचते हैं कि आंदोलन का क्या हो रहा है, आंदोलन चल रहा है। गर्मी का मतलब ये नहीं है कि गर्मी से आंदोलन बंद हो जाएगा, आंदोलन बादस्तूर चल रहा है। यहाँ पे तूफान आते हैं, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो उसके लिए पक्के इस तरह के शेड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे किसान क्रांति गेट गाजीपुर, और आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो स्टोर है, अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो ये मत मानना कि आंदोलन खत्म हो गया और यहाँ से लोग चले गए। और बहुत लोग सोचते हैं कि आंदोलन का क्या हो रहा है, आंदोलन चल रहा है। अब जो ऊंचे शेड बन रहे हैं, ये पूरा स्टोर रूम है, यहाँ पे ये बांस है, ये यहाँ पे लेबर काम कर रही और कंटिन्यू इसी तरह से काम यहाँ पे चला हुआ है। बांस के ऊंचे घर बनाए जा रहे हैं, जालीदार मकान बनाए जा रहे हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन हाउस है यहाँ पे, जिसमें पूरा स्टोर रूम है, यहाँ पे पूरी लेबर लगी हुई है जो बांस के घर बना रही है। यहाँ पे जो लोगों से ये है कि लोग आते रहे, गाँव के लोगों को भी ये है कि यहाँ अब भी जरूरत है सारी चीजों की, तो लोग आते रहें, जाते रहें, अपने खेत का काम भी करते रहें। गर्मी का मतलब ये नहीं है कि गर्मी से आंदोलन बंद हो जाएगा, आंदोलन बादस्तूर चल रहा है। यहाँ पे तूफान आते हैं, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो उसके लिए पक्के इस तरह के शेड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जिस तरह से ये जाली लग रही है, आप देखोगे कि ये जो जाली है, ये जाली लगी हुई है ऐसे, जिससे मच्छर ना आवे और हवा कंटिन्यू आती रहे। यहाँ पे पंखों का भी इंतजाम कर रहे हैं, बड़े बड़े पंखे और उसमें लग रहे हैं। गर्मी तो है, गर्मी तो ऐसा नहीं कि गांव चले जाएंगे और गांव में बर्फ पड़ रही है, ऐसा थोड़ा है। तो गर्मी का मौसम तो गर्मी का ही है, गर्मी का मौसम भी जिस तरह से ये घर बन रहे हैं, तो बांस वैसे भी ठंडा रहता है, बांस की जो तासीर है वो ठंडी है। और ये कंटिन्यू काम चले हुई है इस तरह से, ये पूरी जो लेबर है ये लगी हुई है लेबर, और चिराई होकर इनकी बांसों की, और इससे पूरा हाउस बन रहे, उस पर मिट्टी लगेगी, उन मकानों के ऊपर मिट्टी लगेगी, जिससे मकान ठंडा रहेगा। तो लोग आए अपना मकान में रहें, अपना रिजर्वेशन करवाते रहे मकान का, क्योंकि जिसको जो मिल जाएगा वो फिर बरसात भी उसको रखना है अगली सर्दी तक। ये आंदोलन ये लगा कर चलो कि 8 महीने का हमको प्रोग्राम अभी लेकर चलना है उसका प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम लंबा चलेगा, इसमें आते जाते रहें। हम भी बाहर रहते हैं, बहुत पूरे देश भर में प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारे अभी 20 अप्रैल तक के प्रोग्राम बाहर लगे हुए हैं, उसमें राजस्थान है, गुजरात में रहेंगे हम, 4 और 5 तारीख में गुजरात रहेंगे, जरा निगाह रखना सब लोग, गुजरात में रहेंगे। गुजरात अभी आज़ाद नहीं हुआ वहाँ का किसान, गुजरात का जैसे युद्धवीर सिंह वहाँ पे गए तो जाते प्रेस के बीच में से उठा कर लेंगे, तो 4 और 5 तारीख में गुजरात में रहेंगे। हालात क्या वहाँ पर होगी वहीं जाकर पता चलेगा। उसके बाद में राजस्थान में भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो ये सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। बंगाल भी जा रहे हैं इसी बीच में, तो सब पूरे देश में प्रोग्राम है, क्योंकि पूरा देश का किसान तंग है, पूरे देश का जो नौजवान है वो तंग है, रोजगार उनके चले गए हैं। तो किस तरह के है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन गर्मी में भी सूती कपड़े का इस्तेमाल करोगे तो गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे इस टाइम पे तेज हवाएं चलती है, तो तेज हवाओं से ये है कि जो तिरपाल पर यहाँ पर लगा रखी है, ये लेवर है परमानेंट लगी हुई है, और ये शाम के टाइम हो जाते हैं तो शेड बनते रहेंगे, लगता रहेगा, काम कंटिन्यू जारी रहेगा। और ऐसे ये शेड पूरे बने हुए हैं शेड यहाँ पे, तो आपने पूरा ये लाइव वीडियो यहाँ से देख रहे हो, ये किसान देख रहे हैं, तो आप आते रहे, जाते रहे, और आना जाना ये लगा रहेगा आपको।